आप पीयू को ढूंढ रही है? तुम्हें कैसे पता? हमारी माँ ने बताया। और उन्हें कैसे पता? बोलो ना, उन्हें कैसे पता? जैसे आपकी पीयू आपकी सेवा किसी को दिखाई सुनाई नहीं देती ना, वैसे ही हमारी माँ भी हमारी सेवा किसी को दिखाई सुनाई नहीं देती। I'm sorry, वो गुजर गई है। नहीं, हम कैसे यकीन कर ले तुम्हारी बात पे? तुम्हारी शक्ल देख के लग रहा है कि तुम झूठ कह रहे हो। ठीक है, एक मिनट सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? स्कूल का नाम तो क्रिश है, पर मोहल्ले के बच्चे प्यार से नटखट बुलाते हैं। नहीं, हमें तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं हो रहा। तुम्हें कैसे पता हो सकता है कि हम पीहू को ही ढूंढ रहे हैं? हम सच कह रहे, हमारी माँ इस वक्त हमारे सामने खड़ी है। आप उन्हें नहीं देख पाई, लेकिन मैं उन्हें देख सकता हूँ। आप इस चक्र को किसी भी हाथ में रख लीजिए, हम बिना देखे सही जवाब दे देंगे। अच्छा, माँ बताना कौन से हाथ में? दाएं में। अभी बाएं में। अभी दोनों हाथ में। तुम प्लीज अपनी माँ से पूछो ना, तुम्हारी पीहू कहाँ है? प्लीज जाएगी कहाँ? हमारी माँ तो कह रही है वो आपके ही आसपास कहीं है। आसपास? हाँ, जाइए और जाकर ठीक से ढूंढिए अपनी पीहू को। हर एक कोने में अपने आँख कान खुले रखकर ढूंढेगा, आपकी पीहू आपको जरूर मिलेगी। पीहू को ढूंढना इतना आसान नहीं है सुची। एक बच्चे को तो उसकी माँ ही आसानी से ढूंढ सकती है, पर सुची तो माँ बनी ही नहीं। इसीलिए उसे पीहू को ढूंढने के लिए माँ बनने के हर एक पड़ाव से गुजरना होगा, जहाँ उसे ममता, बलिदान, तड़प, चिंता के अलग अलग गुण धीरे धीरे सिखाएगी। तुम कोशिश पूरी करना सुची, पीहू तक पहुँचने का सफर मुश्किल जरूर है, पर नामुमकिन नहीं। तो यहाँ ढूंढ के गए थे, फिर क्यों उस बच्चे ने कहा कि हम ध्यान से ढूंढे? भूतू, तुम यहाँ हो? भूतू, भगवान, भूतू, तो भूतों की शूज है। क्या ये कोई सिग्नल हो सकता है? लेकिन ये शूज क्या इशारा हो सकता है? कैसे पता लगा है? हमारी भूतों कहाँ है?
वो ना हो, ये शूज जरूर कोई इशारा है, जरूर कोई क्लू है। जाइए और जाकर ठीक से ढूंढिए अपनी पीयू को, हर एक कोने में अपने आंख कान खुले रखकर ढूंढेगा, आपके पीयू आपको जरूर मिलेगी। फरमाइश, ये दुकान तो लाल चौक पे है, जरूर लाल चौक पे ही कोई क्लू होगा। सुची, 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 क्यों बंद है? बंद हुए एक घंटा हो गया। क्रिश, तुम यहाँ क्या कर रही हो? माँ ने हमें यहाँ भेजे, उन्हें पता था कि आप ये जरूर आएंगी। तुमने कहा था कि हमें ध्यान से ढूंढना चाहिए, ध्यान से ढूंढे तो ये जूते मिले और ये दुकान भी बंद है। दुकान बंद हुई है पर दुकान के मालिक का घर नहीं। माँ ने कहा है कि आप सोचने में ज्यादा समय मत बर्बाद कीजिए, क्योंकि जूते बनाने वाला कारीगर ठीक 9 बजे की गाड़ी से 2 महीनों के लिए शहर से बाहर जा रहा है, और अगर आप 9 बजे से पहले नहीं पहुंच पाए तो फिर आपके लिए पीयू को ढूंढना नामुमकिन हो जाएगा। हम मैप से उसका एड्रेस ढूंढ निकालेंगे, लेकिन हम अपना फोन नहीं लाए, हम अभी आते हैं। ये तुम्हारी परीक्षा का पहला पड़ाव है सुची, धीरे धीरे खेल तुम्हारे लिए और मुश्किल होता चला जाएगा। उम्मीद है कि तुम हार नहीं मानोगी। पीयू और तुम्हारा रिश्ता पूरी दुनिया में सबसे अनूठा रिश्ता है, वो हर किसी को नहीं मिलते, इसीलिए परीक्षा तुम्हारे लिए और भी कठिन और संगीन होगी। कमर कस लो। जब तक हमें हमारी गाड़ी नहीं मिल जाती ना सुची, हम तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे। क्या हाल बना रखा है आपने हमारे कमरे का, और आपकी हिम्मत कैसे हुई वो डॉल फेंकने की? इतनी बड़ी हो गई हो और अब भी डॉल से खेलती हो? आपसे सभ्य हम, एटलीस्ट इतने सभ्य हैं कि किसी का कमरा इस तरह से नहीं बिगाड़ते। सर प्लीज, तुमने हमसे झूठ क्यों बोला कि हमारी गाड़ी बैकयार्ड में है?
हमें बहुत जरूरी काम से बाहर जाना था इसलिए। जरूरी काम से? जरा हम भी तो जा रहे हैं। इस वक्त हमारी गाड़ी से ज्यादा जरूरी काम तुम्हारे लिए और क्या हो सकता है? हम ढूंढ रहे हैं ना। ढूंढ रहे मतलब? जब गाड़ी तुमने चुराई तो तुम उसे ढूंढ क्यों रही हो? और वैसे भी हमें गुलगुले ने बता दी है कि वो चिट उसने नहीं लिखी है। जो भी हमारी गाड़ी लेके गया ना उसे बोलो जब तक हमारी गाड़ी नहीं मिलेगी तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। अरे मत कीजिए प्लीज, प्लीज ऐसा मत कीजिए। ये जूते बनाने वाला कारीगर ठीक 9 बजे की गाड़ी से 2 महीनों के लिए शहर से बाहर जा रहा है, और अगर आप 9 बजे तक उस तक नहीं पहुंच पाए तो फिर पीयू को ढूंढ पाना नामुमकिन होगा। हे गोपाल, हम अपने भूतों को ढूंढने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, प्लीज प्लीज हमारी मदद करना। भगवान, पेट्रोल को भी अभी खत्म होना था। क्या करेंगे हम, कैसे जाएंगे? माँ के ओहदे तक पहुंचने का सफर कांटों पर है सच्ची, हर कदम कदम पर चुनौती तुम्हारा इंतजार कर रही है। आज की परीक्षा जीवन और मौत के बीच ला खड़ा करेगी, संभल कर जाना। शहर के बाहर 4 किलोमीटर दूर है ये कस्बा, कैसे जाए? वहां तो कोई बस भी नहीं जाती है। और रिक्शा, रिक्शा भी 7 बजे के बाद वहां पे नहीं जाता है। हे भगवान, भूतो रुकेंगे नहीं, हमारे भूतो, हमारे भूतो।
तुम हमें मारो या डांटो, जितना भी कुछ करना है करो, पर प्लीज तुम हमें छोड़कर कहीं मत जाना। हमारे लिए हमारी बुड़बुड़ी कितना कुछ करती है। आई लव यू बुड़बुड़ी। कोशिश करने वालों के लिए सब कुछ पॉसिबल होता है। क्या रे रामविलास, इतनी बड़ी जूतों की दुकान चलाता है और हमसे कहता है कि पैसे नहीं है। क्या तूने हम लोगों को बेवकूफ समझ रखा है? 6 महीने हो चुके हैं भैया, ये ऐसे नहीं मानेगा। अब पैसे नहीं, इसकी लाश उठाते हैं। हमारा विश्वास कीजिए, हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। हमारा सारा धंधा चौपट हो गया। नहीं नहीं, अगर इसे कुछ हो गया तो हम अपनी भूतों तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। ये ऐसे नहीं मानेगा, देख क्या रहे हो भैया, खत्म करो इसका खेल। आ भैया शांत। कौन है? कौन है दरवाजे पर? भाई साहब प्लीज कुछ मत कीजिएगा, दरवाजा खोलिए। लगती है क्या? अरे भैया वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं, खत्म करो इसका खेल। नहीं आप इन्हें कुछ मत कीजिए, हम ना आप लोगों के चेहरे पहचान लिए, पुलिस में जाके रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे कि आप लोगों ने इन्हें मारा है चाकू से। अरे चाकू से कौन मारने वाला है इसे? हम इतने बेवकूफ लगते हैं? हम इसे स्लो पॉइजन देने वाले मैडम जी, और अपने ही घर में चूहे और कॉकरोच की तरह तड़प तड़प के 12 घंटे के अंदर मर जाएगा। चल पी जा इसे। पी चल पी इसे। क्या खेल खेल रहे हैं आप भगवान, ये नहीं हो सकता। ऐसा हुआ तो हम अपनी पीहू से कभी नहीं मिल पाएंगे।